दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने जो किया है वह भारत के दुश्मनों को बहुत बड़ा झटका, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों को चलेंगे करना किस हद तक जा सकता है इसके बारे में किसी भी देश में कभी सोचा भी नहीं था। रूस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भारतीय वैज्ञानिकों को बड़े हल्के में ले रहे थे। इन देशों को अपनी तकनीक और अपने वैज्ञानिकों पर इतना घमंड था, ये देश भारत से दुश्मनी लेने को उतावले थे। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा झटका दिया है जिसे उनकी सात पुस्तकें भी ध्यान रखेंगी। अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो पाएंगे कि जो देश थोड़ा सा ताकतवर है, महाशक्तिशाली है, उनके पास एक हथियार सबसे खतरनाक और एडवांस मिलेगा, और वह है फाइटर जेट। जिस देश के पास सबसे खतरनाक और उन्नत वाले फाइटर जेट होंगे, यानी कि जिसकी हवाई ताकत सबसे मजबूत और खतरनाक है, वह देश उतना ही ज्यादा मजबूत है, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध जमीन पर नहीं हवा में लड़े जाएंगे। इसीलिए मोदी सरकार का यही रीजन है, भारत भी ऐसी तकनीक को विकसित करे जो रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों के पास नहीं है। तभी तो भारत ने अपने हाथ से बनाया हुआ विमान यानी कि तेजस फाइटर जेट का काम और तेजी से बढ़ा दिया है। साथ ही तेजस मार्क 2 पर भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। इसके अलावा एक और फाइटर जेट जिसे पांचवीं पीढ़ी का कहा जाता है, जिसका नाम है एमका, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारतीय वैज्ञानिक इस खूंखार खतरनाक विमान को बनाने के लिए इतनी जोर शोर से लगे हुए हैं कि दिन रात एक कर दी। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस विमान में लगने वाली ऐसी कोई सी तकनीक नहीं है जो किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करनी पड़े, क्योंकि भारत इस विमल को मेक इन इंडिया के तहत खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। लेकिन उसमें एक चीज की कमी रह गई है, और वह है इसका इंजन। भले ही भारत ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट बनाए हैं, लेकिन किसी भी फाइटर जेट में खुद से बनाया इंजन नहीं लगाया है। भारत के फाइटर जेटों में लगने वाले इंजन रूस या अमेरिका, फ्रांस से इंपोर्ट करता है। भारत के पास अभी खुद का इंजन नहीं है, और जो इंजन इस फाइटर जेट के लिए बनाया गया था, यानी कि कावेरी इंजन, वह इसके लिए जरूरी ट्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा जो एम का फाइटर जेट को चाहिए थी। हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके जो इंजन बनाया है उससे यूएवी ड्रोन को तैयार किया जा रहा है, लेकिन यहां पर बात है पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन की। हालांकि कुछ दिन पहले पीएम मोदी अमेरिका गए, तब अमेरिका ने अपना इंजन देने की बात की थी, लेकिन अभी तक ना तो इंजन मिला है और ना ही इस पर कोई रिपोर्ट निकालकर सामने आई। इसीलिए भारत चाहता है वह कैसे भी करके अपने इस एम का फाइटर जेट को अगले साल भारतीय एयरफोर्स में शामिल कर दें। इसके लिए भारत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भारत को घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान जैसे देश लगातार प्रयास करते हैं, और अब तो भारत का नमक खाने वाले मालदीव जैसे देश भी अपने बाप के खिलाफ भी हो चुके हैं। यही कारण है भारत को अपना यह फाइटर जेट कुछ भी करके तैयार करना है, और यही वजह है मोदी सरकार ने तेजस मार्क 2 और एम का 1 और एम का के बाद मार्क 2 तक रेडी करने का प्लान कर चुका है, और इसे मोदी जी ने किसी भी कीमत पर रेडी करने के लिए कहा है। दोस्तों, इसको लेकर जो खबर आई है उसने रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इन सभी देशों को हैरान कर दिया है। इस खबर के बाद ये सारे देश भारत को अपनी तकनीक देने के लिए तैयार है। एम का फाइटर जेट को लेकर जो शानदार खबर निकल कर आई है उसको बताने से पहले हमारे वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों एम का। पर अगर ताजा अपडेट की बात करें तो DRDO ने फाइनल अप्रूवल और बजट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास प्रपोजल भेजा है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रोल्स रॉयस ने अपने इंजन की तकनीक भारत को ट्रांसफर करने की मंजूरी भी दे दी है, और फिलहाल यूके गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस का अप्रूवल भी ले लिया है। यह खबर बताने से पहले हम आपको यह भी बता दें, एम का को लेकर मोदी सरकार ने फैसला किया था कि इसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया जाएगा। हालांकि कई देशों की तरफ से भारत को ऑफर आ चुके हैं, जैसे कि इस फाइटर जेट को दूसरे देश में रेडी किया जाए, या फिर पहले से ही रेडी हुए फाइटर जेटों को ही खरीद लिया जाए, लेकिन भारत चाहता है इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाए, और यही वजह है भारत अपने फैसले पर अड्डा हुआ है। दोस्तों, इस हवाई योद्धा के लिए जो इंजन भारत के लिए चाहिए वह बहुत ही ज्यादा हाई कैपेसिटी का होना चाहिए, लेकिन उसका रिसर्च और उसको बनाने में बहुत ज्यादा लंबा वक्त लगा सकता है। इसीलिए पीएम मोदी ने रॉकेट की रफ्तार से
एक्स्ट्रा सोर्स की मदद लेने का फैसला किया है। भारत में इसके लिए कई ऑफरों को खारिज किया है, लेकिन भारत के साथ जो हुआ वह पूरी दुनिया के हौसले उड़ा देगा। दोस्तों, भारत का एम का इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी है, और इसमें भारत को यह ऑफर दिया है, जिससे रूस और अमेरिका जैसे देश भी हिल चुके हैं। एम का फाइटर जेट के इंजन के लिए दो बड़े ऑफर आए हैं। पहले आया है रोल्स रॉयस की तरफ से। उसने कहा है कि अगर भारत चाहे उसके साथ मिलकर करीब 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को बनाया जा सकता है। इसका निर्माण भारत में होगा, और सबसे कमाल की बात यह है, इसका बालिका दहक भारत के पास रहेगा, यानी कि यह कंपनी भारत को बिल्कुल एक नया इंजन बनाकर देगी जो आज तक किसी के पास नहीं है। इस इंजन की टेक्नोलॉजी बिना भारत के परमिशन के कोई भी नहीं ले पाएगा। दूसरा ऑफर ब्रिटेन वी सिस्टम ने दिया है, जिन्होंने भारत से कहा कि अगर भारत चाहे तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकता है, जिसमें ब्रिटेन और जापान पहले से मिले हैं, और ये देश मिलकर एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं, जिसका नाम होने वाला है टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट। यानी भारत चाहे तो इस प्रोग्राम में शामिल होकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। ये इंजन और इसका फाइटर जेट 2025 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, और बताया तो जा रहा है ना तो इसके टक्कर पर कोई इंजन होगा और न ही कोई फाइटर जेट। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, भारत के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह आई है कि इस इंजन का मालकाना हक भारत के पास नहीं है। वहीं दूसरी ओर लग्जरी कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोल्स रॉयस कंपनी इन इंडिया के तहत यह फाइटर जेट को बनाने के लिए, भारत के लिए इंजन बनाने के लिए तैयार है, बल्कि इंजन के लिए वह अपना टेक्निकल कंट्रीब्यूशन देना चाहती है। बड़ी बात तो यह है कि इस इंजन पर मालकाना हक है, भारत का ही रहेगा। रोल्स रॉयस कंपनी ने कंफर्म किया है कि इंडिया को कमांड इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए यूके गवर्नमेंट से उसको इम्प्रूवमेंट मिल चुका है। इतना ही नहीं, जब ब्रिटेन भारत की ओर इस तरह भाग रहा है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पीछे कैसे रहता। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी अमेरिकी सरकार के पास एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट कर चुकी है, क्योंकि वह भारत के एएम का प्रोग्राम के लिए कॉम्बैट इंजन जॉइंट डेवलपर को फंडिंग करना चाहती है। मतलब दुनिया के टॉप डिफेंस प्लेयर भारत को अपना इंजन देने के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और दोस्तों, ये दोनों ही ऑफर इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि DRDO के वैज्ञानिक भारत को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, कि इतने बड़े से बड़े देश भी अब भारत के साथ काम करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, भारत को अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस में से किस कंपनी को चुनना चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एम का के ऑर्डर पर देरी होने पर पार्लियामेंट में बहुत ही फटकार लगाई है। इसके बाद इसका भी काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।